सो ही गाइज, वेलकम बैक टू सुधांशु सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह से आप अपनी म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पॉटिफाई, जियो सेवन, एप्पल म्यूजिक, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम और FB स्टोरीज पर भी। तो किस तरह से किया जाए, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस होता क्या है? म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस वो सर्विस होती है जिसको हम अपना म्यूज़िक देते हैं और वो जो है हमारे बिहाफ में सबको म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, जियो सावन हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें, राइट? फॉर एग्जांपल अभी मेरा लेटेस्ट गाना आया था खता, उसको आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने एक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का सहारा लिया स्पॉटिफाई तक उस गाने को पहुँचाने के लिए। तो आज हम वही बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने सॉन्ग को पहुँचा सकते हैं। और आज मैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के बारे में बात करने वाला हूँ, वो ट्रस्टवर्दी है वो साइट, और मैं खुद भी उससे से करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये साइट फ्री है। जी हाँ, फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर जो आपके सामने जो साइट खुल रही है, दिस इज़ कॉल्ड रूट नोट, और यही वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। तो आपको सबसे ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको साइनअप का बटन दिख रहा होगा, बिकॉज आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। तो साइनअप के बटन पर क्लिक करते हैं और अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पर दिखा रहा है साइनअप विद गूगल, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, मैं यहाँ से लूँगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कर लेता हूँ और ये सब काट देता हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम रखना होगा, तो यूज़र नेम मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको एक ईमेल रखना होगा, तो यहाँ पर मैं ईमेल भी रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक पासवर्ड चूज़ करना होगा, तो यहाँ पर हम पासवर्ड भी रख लेते हैं। तो हमने पासवर्ड भी पेस्ट कर लिया और यही सेम पासवर्ड हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप टिक कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट। और यहाँ पर ये चूज़ कर रहा है बसेस कहाँ कहाँ पे है, तो अब बसेस वाले जो स्क्वायर्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिक आ चुका है और यहाँ पर ज्वाइन रूट नोट पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये जो साइट है, इस साइट पर हमारा अकाउंट बन जाएगा। तो इसने हमें रिडायरेक्ट किया इस दूसरी साइट पर जहाँ पर कह रहा है कीप योर अकाउंट सेफ। तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर पेपाल पूछ रहा है, पेपाल आपको अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट सिंपल से कुछ भी आपको यहाँ पर कर लेना है, लेट से वर्ड ऑफ माउथ, कुछ भी, मतलब यू नो, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं साइट को। देन कंटिन्यू साइन अप, और ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। सो चलिए यहाँ पर हम कोई भी चुन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु इज़ योर फेवरेट बैंड, लेट्स राइट अवर नेम, राइट, कंटिन्यू। और ये बोल रहा है थोड़ा और अपने बारे में बताओ, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये फर्स्ट नेम क्या है आपका। तो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसका नाम है तरन सिंह। सो तरन यहाँ पे, सिंह यहाँ पे लिखेंगे। स्ट्रीट एड्रेस छोड़ दो, इतना कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं आपको। टेलीफोन नंबर आपको डालना है तो वो भी मैं डाल देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। देन टाइम जोन सेलेक्ट करके लेके बोल रहा है, तो हमारा जो है +5:30 है इंडिया का। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप वहाँ का टाइम जोन डाल देंगे +5:30। देन यहाँ पर जेंडर मेल, कंटिन्यू साइन अप। यहाँ पर स्किप करने का भी ऑप्शन है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, हमने थोड़ी डिटेल्स फिल कर दी हैं जिससे कि हमारे लिए बेटर होगा। अब इसने डाला है अपने नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर बैंड आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट नेम क्या है, तो आर्टिस्ट नेम होगा इनका तरन सिंह। वेबसाइट लेबल मैनेजमेंट, तो मैं अपना ही डाल देता हूँ बिकॉज मैं अभी यहाँ पर लेबल बनने वाला हूँ, सुधांशु सिंह। और वेबसाइट जो है मेरी, वेबसाइट क्या थी मेरी, ये वाली ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा। सोशल मीडिया अभी इसको रहने देता हूँ, बाद में हम इसको भर सकते हैं आराम से। तो ये बोल रहा है वी आर क्रिएटिंग योर न्यू अकाउंट नाउ, और इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एंड डोंट रिफ्रेश योर ब्राउज़र। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड,
टू गेट ऑल द गुड स्टफ प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट. यू कैन डू दिस एक्टिवेशन लिंक वी हैव ईमेल्ड यू टू योर इनबॉक्स एंड इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड इट चेक योर जंक फोल्डर और मतलब कहीं पर भी हो सकता है. तो हम जाएंगे अपने ईमेल पे, इसको हम करते हैं रिफ्रेश. ओके, तो जो मेल आया वो मेरे को आया है स्पैम फोल्डर में और यहाँ पर नो रिप्लाई लिखा हुआ है, तो मैं समझ नहीं पाया कहाँ से आया है. अगर इस पर क्लिक करो तो आप देख सकते हैं नो रिप्लाई एट rootnote.com. तो हाँ, ये उनकी तरफ से है. तो डियर तरन सिंह, कन्फर्म ईमेल एड्रेस ये रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर ये कह रहा है वैलिडेशन सक्सेस, यू आर गुड टू गो, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट बाय यूजिंग द बटन बिलो. तो यहाँ पर लॉगिन का बटन दिख रहा है बड़ा सा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा. राइट देयर. तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं. जब आप पहली पहली बार ऐसे खोलते हैं तो आपको इस तरह का चीज़ नज़र आती है. जब मैंने बनाया था अकाउंट तब इस तरह की चीज़ नहीं थी. फिलहाल कोई बात नहीं, हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में और यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू रिलीज़. आपको न्यू रिलीज़ क्रिएट करनी है, आपको न्यू सॉन्ग डालना है. सो क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद पूछ रहा है UPC EN. अगर आप पहली बार इसको डाल रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि ये चीज़ क्या है, तो आप उसको छोड़ दीजिए. आपको देना है रिलीज़ टाइटल, कि टाइटल क्या है. तो टाइटल इन माय केस इज तेरे नखरे, सो यहाँ पर लिखूँगा एंड क्लिक ऑन क्रिएट रिलीज. राइट देयर. तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ आपके सामने आ चुकी है. यहाँ पर चार स्टेप्स हैं, पांच स्टेप्स है सॉरी. एल्बम डिटेल्स, ऐड ऑडियो, ऐड आर्टवर्क और मैनेज स्टोर. सबसे पहले हम चलते हैं एल्बम डिटेल्स पे, इस पर क्लिक कर दिया मैंने. मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश नहीं है इसकी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज है हिंदी. सो लेट्स गो टू हिंदी. या ये रही हिंदी. टाइटल यही है, एल्बम वर्जन छोड़ देंगे, कंपाइलेशन एल्बम नहीं है. आर्टिस्ट प्राइमरी कौन है, तरन सिंह. आप चाहे तो अपना आर्टिस्ट नेम भी लिख सकते हैं अगर आप अपना रियल नेम नहीं रखना चाहते हैं. यहाँ पर एक फीचरिंग आर्टिस्ट भी है हमारे पास जिसका नाम है रोशन गुप्ता. तो यहाँ पर दोनों हमने आर्टिस्ट डाल दिए हैं, तरन सिंह एंड रोशन गुप्ता. प्राइमरी जॉनर बोल रहा है, जॉनर कौन सा है इसका. जब आपको कुछ नहीं पता हो तो आप सिंगर सॉन्ग राइटर डाल सकते हैं और सेकेंडरी जॉनर नन. कंपोजिशन कॉपीराइट किसके पास है, तो या फिर यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं डाल दूंगा तरन सिंह का नाम. रिकॉर्डिंग कॉपीराइट भी होगा इनके पास. रिकॉर्ड लेबल नेम, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा बिकॉज आई एम रिलीजिंग दिस. ओरिजिनल रिलीज्ड, ये बोल रहा है कब ओरिजिनली कब रिलीज़ होगा. तो अब ये रिलीज़ वाली डेट आ गई है कि आपको कब रिलीज़ करना है ये चीज़. तो रूट नोट कहता है कि हम 2 हफ्ते में डाल देंगे, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 हफ्ते बाद की डेट डालें. तो अभी हो रहा है 24 जनवरी, तो 1, 2, 3, तो मैं 14 फरवरी की डेट डालूंगा. तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट. 14 फरवरी की डेट डाल दी मैंने यहाँ पे और सेल स्टार्ट डेट पे भी मैं वही वाली डेट डाल दूंगा, 14 फरवरी. दोनों डेट सेम होनी चाहिए. प्री ऑर्डर डेट अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा. एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट, तो ये एक्सप्लिसिट नहीं है. देन सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे. राइट देयर. तो एल्बम डिटेल्स हमने कंप्लीट कर चुकी है. अब हम करते हैं ऐड ऑडियो. तो अब हमको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी ऑडियो जो हमको रिलीज करनी है बेसिकली. राइट देयर. तो वी अलाउ ओनली द फॉलोइंग ऑडियो टाइप्स. तो या तो आप MP3 अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे 320 kbps पे 44.1 kHz, या तो आप फ्लैक फाइल जो है कर सकते हैं. तो हम करेंगे चूज फाइल और अपनी फाइल में फटाफट से ढूंढ लेता हूँ जोन सी मेरे को अपलोड करनी है. तरन सिंह मास्टर, ये जो मैंने मास्टरिंग करी थी इसको मैंने चूज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं अपलोडिंग होना शुरू हो चुका है. तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये पूरी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी सर्वर पे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे. तब तक के लिए हम ट्रैक का नाम डाल सकते हैं. तो ट्रैक का नाम है तेरे नखरे. बस तेरे नखरे ट्रैक का नाम डालना है, बाकी आर्टिस्ट का नाम नहीं डालना है. तो ये हमारा ट्रैक हो गया है कंप्लीट, 100% अपलोडेड. अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर. अब ये बोल रहा है प्रोसेसिंग हो रही है, वेट करिए. तो
तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमको ये चीज़ देखने को मिली है, जहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रैक का नाम तेरे नखरे है, टाइटल वर्जन ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे। ट्रैक नंबर वन, आर्टिस्ट नेम ये है, ये है ISRC कोड, ये खुद देता है। देन एक्सप्लिसिट नहीं है, हिंदी लैंग्वेज है, तो हमको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, तो अगेन फिर से ये प्रोसेसिंग करेगा और मेन पेज पे हमको लेकर जाएगा। तो ये बोल रहा है आर यू फिनिश्ड अपलोडिंग फॉर दिस रिलीज़, मतलब ये एल्बम तो नहीं है जिसमें आपको और भी ट्रैक्स डालने हैं। सो मैंने कहा नहीं, आई एम फिनिश्ड। सो अब इसने वापस अपने मेन पेज पे लेके आ चुका है। अब आपको ऐड करना है आर्टवर्क, तो ऐड आर्टवर्क पे करेंगे क्लिक। सो यहाँ पर करें ड्रैग एंड ड्रॉप आर्टवर्क है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लूँगा। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका है, तो ये अब अपलोड हो रही है फाइल। तो आप देख सकते हैं ये फाइल जो अपलोड हो चुकी है, जो इनकी कवर आर्ट थी बेसिकली इन्हीं की फ़ोटो है, तो आप ऐसी भी कवर आर्ट डाल सकते हैं। और ध्यान से आपको स्टाइल गाइडलाइंस पे आपको ध्यान रखना है, 3000x3000 पिक्सल्स की होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिवेलेंट इमेज होनी चाहिए, 25 MB से कम होनी चाहिए और RGB होनी चाहिए, मतलब कलर होनी चाहिए। वेबसाइट का URL नहीं होना चाहिए फ़ोटो पे, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और देन प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कितने रुपये में आप बेच रहे हैं। कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं होनी चाहिए, देन यू नो ब्लरी पिक्सलेटेड नहीं होनी चाहिए। मत क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमको अगली चीज़ आपको दिख रही है, दैट इज़ मैनेज स्टोर्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड साइड में जो अपडेट भी होती रहती है चीज़ें हमको, तो मैनेज स्टोर्स इस पर हम क्लिक करते हैं। मैनेज स्टोर्स पर अब हम बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से स्टोर्स पर हम इसको भेजना है। ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देखिए कहाँ कहाँ पर ये जा रही है। रूट नोट डायरेक्ट, ये इनका खुद का स्टोर है। देन एप्पल म्यूज़िक, iTunes, एप्पल म्यूज़िक, Amazon म्यूज़िक, ई म्यूज़िक, Spotify, यूट्यूब म्यूज़िक, आगामी, डीजर, टाइडल, क्लारो म्यूज़िकल, मतलब इतने सारे स्टोर्स में जाती है जो उनको पता भी नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल स्टोर्स, तो सेलेक्ट ऑल स्टोर्स किया तो आप देख सकते हैं सारे स्टोर्स जितने भी थे वो सारे चीज़ जा चुकी हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ यूट्यूब, और ये क्या है, कंटेंट आईडी। तो बेसिकली इससे होता क्या है, अगर कोई भी आपका म्यूज़िक जो है यूज़ करेगा अपनी वीडियो में, तो उसको जो आ जाएगा कॉपीराइट क्लेम, और वो जितना भी मनी रेवेन्यू जनरेट करने वाला था उस वीडियो से, वो रेवेन्यू उसको जनरेट ना होके वो रेवेन्यू आपके पास आएगा। सो काफ़ी कमाल चीज़, काफ़ी काम की चीज़ है ये। उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ स्टैंडर्ड प्राइसिंग रखते हैं सब में। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ फिर से कि हमें जो है मेन पेज पे हमारे जो है रीडायरेक्ट कर दे रहा है, और यहाँ पर भी यू आर सेलेक्टेड स्टोर्स में आपको सारे स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं राइट अवे। तो हमने हर चीज़ कर चुकी है, देखिए यहाँ पर भी टिक आ चुका है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमको ये स्टोर्स भी दिखा रहा है। 2:33 का ये ट्रैक होगा, तेरे नखरे, फ्रॉम तरन सिंह, लेबल सुधांशु सिंह। अब आती है मेन चीज़, द डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज़ रिव्यू योर रिलीज बिफोर सेलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एज फर्दर ऑडियो एंड प्लेलिस्ट चेंजेस विल नॉट बी परमिटेड, मतलब ऑडियो को चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में। मेटा डेटा चेंजेस आर परमिटेड बट हैव एन अपडेट पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर मेटा डेटा आप चेंज कर सकते हैं। मेटा डेटा बोले तो फोटो नहीं, कि सिंगर सॉन्ग राइटर कौन है, लेबल कौन है, प्रोड्यूस किसने किया है, कंपोज किसने किया है, सिंगर कौन है वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं। सो आई एक्सेप्ट टर्म्स। यहाँ पर है मेन चीज़, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलाउज आर्टिस्ट टू अपलोड देयर म्यूजिक टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजिक स्टोर्स विदाउट हैविंग टू पे अपफ्रंट, बिना फीस के आप पैसे दे पाएंगे। एंड आर्टिस्ट की 85% ऑफ रॉयल्टीज, मतलब कि जितना भी आर्टिस्ट कमाएगा उसमें से 15% रूट नोट ले लेगा और 85% आपको देगा फ्री मॉडल पे। एक है प्रीमियम जो कि आपको पैसे देकर है। सो अवर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलाउज द आर्टिस्ट टू पे अ स्मॉल फी अपफ्रंट बट कीप 100% ऑफ रॉयल्टीज। सो फिलहाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट फ्री, लेकिन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मेरे को रूट नोट की। सो इस पर क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूट फ्री में, और यहाँ पर कह रहा है नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर कंप्लीटिंग। सो आर यू श्योर, तो मैंने कहा कंप्लीट करो भाई रिलीज को।
तो आपको जाना है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिलीज़ यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यूपीसी है, आर्टिस्ट तरन सिंह, एल्बम डिटेल्स तेरे नखरे, पेंडिंग मॉडरेशन। अभी मॉडरेशन होगा इसमें, तो वहाँ पर मॉडरेशन होता है, मतलब देखा जाता है कि हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ जिस मुताबिक होनी चाहिए उस मुताबिक है या नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा। तो हाँ, एंड यू हैव ज़ीरो रिलीज नीड इन एक्शन। तो हमारी ये रिलीज़ जो है हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, और अब ये जो है मॉडरेशन के लिए जा चुकी है। सो बस अब 3 हफ्ते का वेट है, और उसके बाद 14 फरवरी को ये सॉन्ग आने वाला है। इस वीडियो को मैं उस सॉन्ग के आने के बाद ही डालूंगा, बिकॉज सारी डिटेल्स मैंने रिवील कर दी इस सॉन्ग की, तो अच्छा नहीं होगा अगर मैं पहले ही इसको लीक कर दूँ। तब आपको करना क्या है, अब आपको वेट करना है 14 फरवरी का, जब ये रिलीज़ जो है हर जगह आ जाएगी, और उसके बाद बस लोग स्ट्रीम करेंगे इसको स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, जियो सावन पे, और अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरीज पे यूज़ करेंगे, तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन से किया है तो आपको 85% मिलेगा, और अगर आपने प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन से किया है जो कि पेड होता है, उसमें आपको 100% रॉयल्टीज़ मिलेंगी। तो यार आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने के लिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग जो है मेरे को बोल रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे कि एक वीडियो बनाओ किस तरह से आप इंस्टाग्राम पे अपना खुद का म्यूज़िक जो है यूज़ करते हो। और अभी लेटेस्ट रिलीज़ मैंने करी थी, दैट इज़ खता, उसको जाके सुनो। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और खता की ब्रेकडाउन वीडियो बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आप देख सकते हैं, तो ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा पहले बना रहा हूँ, तो तब तक मेरे इतने ही व्यूज़ थे, तो देखते हैं अब क्या वीडियो व्यूज़ हो जाते हैं। और जाके सुनो, और काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्सेज की वीडियोज़ भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। फ्री FLPs भी थी, इन चीज़ को मैं वापस लाने वाला हूँ अभी कुछ ही दिनों में। खता मर ही जाएंगे तुम्हारा मर दुआ के सागर, ये सॉन्ग्स मेरे हैं, अपने हैं, तो जाके सुनो और मजे लो। So that's all for today, guys. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेट्स गुड बाय फ्रॉम मी, आई एम Sound Singh फ्रॉम Sound Singh Music, साइन आउट।